19 अप्रैल 2014 को भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के ढिकोला गांव की डूंगरी चौराहे पर जो बंजारा बस्ती स्थित है उस पर ढिकोला के ग्रामीणों ने हमसला होकर के बहुत बड़ी संख्या में जा करके हमला किया और उसकी वजह से कई सारे घर जला दिए गए, लोगों को चोटें आई और महिलाओं के साथ अभद्रताएं की गई। उस मामले में 42 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी लोग फरार चल रहे थे। ऐसे गंभीर अपराध वाले मामले को नवंबर 2016 में राजस्थान सरकार ने यह कहते हुए कि ये जनहित में होगा कि जो अपराध किया गया उस मामले को वापस ले लिया जाए। इस मामले को वापस लेने की एक अपील न्यायालय में रखी गई थी। उसके खिलाफ बंजारा समुदाय ने, जो कि पीड़ित समुदाय हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एडवोकेट सुरेश श्रीमाली को कोर्ट में खड़ा किया और इसका विरोध किया कि इस तरह के हीनियस क्राइम वाले जो मामले हैं उनको राज्य सरकार वापस न ले। तो न्यायालय ने 10 फरवरी को पहली सुनवाई की उस पर और आज 3 मार्च को इस मामले में सरकार का, अभियोजन पक्ष का और अभियुक्तों का और बंजारों का सबका पक्ष सुनने के बाद एडीजे कोर्ट शाहपुरा ने यह फैसला दिया कि इस तरह के जो गंभीर अपराध के मामले हैं उसको राज्य सरकार वापस नहीं ले सकती है। ये केस चलेगा और इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनको अपने किए की सजा मिलेगी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये बंजारा समाज के युवाओं की जो संघर्ष समिति बनी है उसमें खासतौर पे जो मोहन बंजारा परिवादी हैं और कालू बंजारा और बंजारा समुदाय के एक वरिष्ठ नेता परसराम बंजारा, इन सब साथियों ने मिलकर के इस संघर्ष को ढिकोला से लगा करके शाहपुरा तक और जयपुर तक और न्यायालय से लगा के सड़क तक लड़ा और अंततः आज बंजारों के सामने राजस्थान की सरकार हार गई और बंजारे जीत गए।